उसकी एक कंपनी से टाइप है जिससे वो प्रोडक्ट लेता है, जिसको वो 90 दिन में पैसा देता है या 120 दिन में पैसा देता है, और आपसे जब वो लेने जाएगा तो आप उसको 45 डेज की क्रेडिट देंगे या 30 डेज की क्रेडिट देंगे, तो वो चाहेगा नहीं कि आपसे ले, इसलिए वो ये बोलेगा कि सर ये तो इसकी क्वालिटी खराब है, एंड यू आर एनफोर्सिंग कि 20% आपको रिसाइकल प्रोडक्ट यूज करना है, तो वो चाहेगा ये बोलेगा कि सर रिसाइकल वाला खराब है, आप मेरे को फ्रेश लगाने लीजिए, लेकिन हमको उसी समय उसको क्वालिटी चेक करके बताना है कि प्रोडक्ट सही है, प्लस लगाने तो उसको 200 स्क्वायर मीटर्स का पेवर विल बी ओनली रिसाइकल, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन फ्रेश एंड द रिसाइकल प्रोडक्ट। अगर हम ऐसा टेंडर निकाल देंगे तो मतलब सर देखें, हमने आज एक वन डे वर्कशॉप जो है कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर की है। वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन जो है आजकल हमारी सारी जितने प्रॉब्लम्स हैं उसमें टॉप ऑफ द प्रायोरिटी है। आप देखते होंगे हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे टीवी चैनल्स हैं, इनके ऊपर जितनी भी हेडलाइंस हैं दे आर समहाउ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट मैटर्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इसके ऊपर तो हमने ध्यान दिया, मगर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर इससे पहले ध्यान नहीं दिया गया। आई एम प्राउड टू से कि ये स्टेट में फर्स्ट वर्कशॉप जो है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के ऊपर हम कर रहे हैं। देखें, हमारी अर्बनाइजेशन मैसिव स्केल से चल रही है, पिछले 20-30 सालों में जो सिटीज़ 4 स्क्वायर किलोमीटर की दायरे में थी वो आज 20 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर चली गई। हमारी पॉपुलेशन सर्ज है, जो ओल्ड प्लेसेज हैं उनको डिमोलिश करके बड़े बड़े फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं, रीमॉडलिंग की जा रही है ओल्ड स्पेसिस की, उससे एक मैसिव क्वान्टिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट जनरेट होता है, मगर उस वेस्ट की क्वांटिफिकेशन नहीं है। वो वेस्ट जो है हमारा रादर आईसोर बनता है हमारे लिए। आप देखते होंगे रोड्स के साइड पे वो डिपॉजिट हुआ मिलता है, दरियाओं में, नालों में, वाटर बॉडीज़ में मिलता है, जबकि हमें इतनी ज़्यादा शदीद ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज की। आप देखें सैंड माइनिंग कितनी इलीगैलिटी उसमें होती है, और आप रोज़ पेपर में पढ़ते हैं सैंड माइनिंग के ऊपर, सैंड माफिया जो काम कर रहा है ब्रिक्स के लिए, स्टोन्स के लिए। अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट जो हमारा जनरेट हो रहा है उसको अगर हम सस्टेनेबली मैनेज करें, उसको हम रीप्रोसेस करें, तो हमारा जो प्रेशर है अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, सैंड, ग्रेवल, हमारे जो स्टोन्स हैं, दैट कैन बी टेकन ऑफ। तो इन दिस बैकड्रॉप, इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक ऑर्गेनाइज की वन डे वर्कशॉप। हमारे जो रिसोर्स पर्सन है ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड फिगर कंस्ट्रक्शन और वेस्ट डिमोलिशन इसके फील्ड में। इंदौर सिटी आपने देखा होगा पिछले 3 साल से स्वच्छ भारत मिशन में, दैट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, इंदौर। तो जो हमारे रिसोर्स पर्सन है ही इज़ द कंसल्टेंट फॉर दैट सिटी। 100 से ऊपर और सिटीज़ भी वो कंसल्टेंसी उन पर दे रहे हैं, हमने उनको एज अ रिसोर्स पर्सन यहाँ बुलाया। हमारे पास यहाँ पर कमिश्नर JMC हैं, हमारे चेयरमैन साहब इस सेशन को हेड कर रहे हैं, और जितनी भी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी हमारे मेजर कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, क्या वो प्राइवेट हों या क्या वो गवर्नमेंट हों, जिसमें PWD है आपका, UED है आपकी, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, हमारे जितने रेलवेज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो उनको एग्जीक्यूट करा रहे हैं काम, उन सबको हमने इनवाइट किया है। और ये एक आई ओपनर है हम सब के लिए, बिकॉज इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया इससे पर, जबकि ये हमारी सीरियस प्रॉब्लम है। 5.5 लाख क्यूबिक मीटर ग्रेवल की हमें ज़रूरत पड़ती है हाउसिंग सेक्टर में एवरी ईयर फॉर इंडिया। 750 मिलियन क्यूबिक मीटर हमें रोड बिल्डिंग के लिए चाहिए, जबकि सारे का सारा मटेरियल जो है हम फ्रेश अपने नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं, जो कि हम रीप्रोसेस किया हुआ उसमें से काफ़ी 50% वी कैन गेट इट रीप्रोसेस्ड, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास ना ऐसी कोई फैसिलिटी है, ना हमने इस पर कभी इससे ज़्यादा ध्यान दिया। तो इस बैकड्रॉप में हमने ये वन डे वर्कशॉप की है, ताकि हम अवेयर करें अपनी सारी एजेंसीज को, बी इट प्राइवेट, बी इट गवर्नमेंट, कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें और उसको क्या सोल्यूशन इसके लिए निकालें। सर, आने वाले समय में अभी ऐसे आप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि लोगों में भी अवेयरनेस आए? जी देखिए, ये थोड़ा सा अभी टेक्निकल सब्जेक्ट है, जैसा मैंने आपसे कहा ये स्टेट में पहली दफ़ा हम ऐसा वर्कशॉप करें। इवन जो एजेंसीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, उन्होंने भी आज तक ऐसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, बिकॉज इट्स ए न्यू सब्जेक्ट। तो ये एक हमारी फर्स्ट जो है इंटरेक्शन है अमंग्स ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसीज एंड प्राइवेट एजेंसीज, वील बिल्ड अप ऑन इट। उसके बाद हम जनरल मासेज जो हैं, क्योंकि हमारे घरों से भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट बनता है, हम अपने घर को रिपेयर करते हैं, हमारे POP की रूफ्स लगती हैं, हम अपने घर को रेनोवेट करते हैं, उससे जो वेस्ट निकलता है उसको हम कैसे डिस्पोज ऑफ करें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जनरल पब्लिक है। तो एक बार वंस वी आर अवेयर अमंग्स आवरसेल्फ, देन वी विल गो फॉर मास अवेयरनेस इन दिस रिगार्ड।